सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई सबसे पहले तो यार कुछ नहीं बोलूंगा मैं, आप जो है पहले इसकी रिफ्लेक्टर के लुक चेक कर लो एक बारी। भाई रिफ्लेक्टर भी ऑन कर दो एक बारी। भाई रिफ्लेक्टर देख लो सबसे पहले। भाई यहाँ पे बहुत ही रेयर वाले रिफ्लेक्टर लगे अपनी नेक्सॉन में, काफ़ी ज़बरदस्त लुक आ रहे हैं। भाई एक बार इंडिकेटर लगा दो यार, ये अभी इंडिकेटर लग चुका है, इंडिकेटर देख रहे हो भाई। भाई ये अपनी नेक्सॉन है XMS वेरियंट 2022 का लेटेस्ट स्काईकार पे हूँ भैया के पास में। बहुत ज़बरदस्त वाला इसमें जो काम हुआ है अपना, आप देख ही सकते हो वाइट कलर है। एंड अभी तो फ्रंट से दिखाता हूँ आपको एक बारी, मैंने रिफ्लेक्टर की जो थी लुक चेक करवानी थी। फ्रंट में देखोगे इसमें हमने HID एंड जो अपनी LED है वो लगाई है। सो लो बीम में अपनी HID एंड हाई बीम में अपनी LED है, आपको रिस्पॉन्स में चेक करा दूंगा आगे पूरी। यहाँ पे हमने यहाँ से लेके पूरी अपनी यहाँ तक एंड तक देखोगे बोनेट में इसमें हमने DRLs इंस्टॉल करी है पूरी एंड तक है। बहुत ज़बरदस्त लुक दे रही है अपनी पूरी कार को। यहाँ पे क्रोमिंग में नेक्सॉन की डिकेलिंग लगाई है हमने, ज़बरदस्त लग रही है काफ़ी ज़्यादा। ये भी नीचे देखोगे तो यहाँ पे बहुत यहाँ पे बेहतरीन से इसमें हमने जो अपने DRLs इंस्टॉल करी है। इधर सो है ये इंडिकेटर में भी जो अपने फ्लैश होंगे। एंड यहाँ पे हमको एक मिल जाती है अपनी फॉग लाइट जो भैया ने लगाई है, सो ये अपने LED में ही है। एंड साथ ही भैया ने इसमें मतलब ड्यूल वाली है इसमें इंडिकेटर एंड फॉग लाइट नॉर्मल है चलेगी। भैया एक बार इसकी फॉग लाइट्स ऑन कर दो, अभी इंडिकेटर भैया लगा रहे हैं, इंडिकेटर से आप जो है चेक करना इसके लुक को। भाई अभी देखो भाई भैया ने कर दिया इसके इंडिकेटर ऑन एंड अभी आप जो है इसकी लुक चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पूरी जो है ये अपनी वो हो रही है। सो भाई भैया ने जो अभी इससे कनेक्शन अपने इंडिकेटर से नहीं करा, लेकिन अगर आप चाहो तो वो भी करा सकते हो। उसमें क्या होगा कि जब आपका इंडिकेटर जैसे अभी ऑन हुआ था तो उसमें ये भी फ्लैश होगी एंड साथ ही में ये भी जो अपनी फ्लैश होगी। सो ये करें फ्रंट में तो अपने। एंड अभी जो अपनी HID ऑन हो गई है देख सकते हो, एक बार HID ऑन करना भैया। सो ये अपनी लो बीम है एंड ये 4-5 सेकंड में जो है अपनी ब्राइटनेस को तेज कर लेती है। एंड अपनी जो हाई बीम है वो LED में ही है, देख सकते हो भाई बहुत बढ़िया रिस्पांस आ रहा है। अभी जैसे हल्की सी शाम होगी उसका रिस्पांस भी आपको मैं चेक करा दूंगा। HID के सामने आप रिस्पांस देख सकते हो भैया बिल्कुल पैरों पर जा रहे हैं। एंड 4-5 सेकंड जैसे मतलब हल्की सी हीट होती है तो इसका जो रिस्पांस है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद भाई हमने इसमें लगाया अपने व्हील कैप्स, यहाँ पे अपने हेडॉक कंपनी के इसमें अपने व्हील कवर लगवाए हैं। सो ये बिल्कुल अपनी अलॉय टाइप वाली जो फिनिशिंग हमको दे रहे हैं। एंड एक और भाई बहुत ज़बरदस्त वाली मॉडिफिकेशन जो करी है हमने वो भाई इसकी रूफ रैप करी है एंड बहुत ही अलग से कलर में जो इसकी हमने रूफ रैप करी है। सो पिलर्स भी जो स्पॉयलर है अपना वो भी रैप हुआ है अपना, पूरा अंदर से रैप हुआ है पूरा, पीछे आप देखोगे बहुत बढ़िया फिनिशिंग आ रहा है। भैया जो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा अपना फाइनल टच जो है वो दे रहे हैं। सो आप देखोगे मतलब बहुत ही यहाँ पे सेक्सी फिनिश आ रही है अब इसमें। सो ये अपना मेटालिक ब्लैक में है, ऊपर का सारा जो ग्लॉस में है। सो भाई ये तो बहुत ही बढ़िया काम है अपना। यहाँ पे देखोगे ये वाला जो अपना पिलर है ये ब्लैक मैट में है, लेकिन जो अपना ये वाला हैंड ऊपर का जो वो पूरा अपने भैया ने इसमें अपना कर दिया है। ये अलग से एक कलर है, कोई फॉलेज ग्रीन सा टाइप का कलर है। रूफ रेल्स कंपनी से आ जाती है, शार्कफिन एंटीना लगाया इसमें हमने ब्लैक कलर का। एंड यहाँ पे तो माउंट आ जाता है ब्रेक वाला एंड साथ ही में इधर नीचे भी हमने यार इसमें अपना माउंट लगाया है। सो ये भी अपना जो है ब्रेक मारने पर ये भी फ्लैश होगा। रिफ्लेक्टर मैंने आपको लुक दिखा दी थी, यहाँ पे आसपास अपनी पैरों ब्लैक की फिनिशिंग है, बहुत यहाँ पे बेहतरीन से रिफ्लेक्टर जो है भैया ने इसमें ऐड करे है। अपनी जो टेल लाइट है वो तो नॉर्मल आती है जो हमको मिलती है, और जो भी एक्सेसरीज लगी है क्रोम डोर हैंडल्स लगे, भाई फिनिशिंग देखो बहुत बेहतरीन आ रही है। बिल्कुल यार ऐसा लग रहा है कि जो कंपनी से आते हैं ना बिल्कुल वैसा टाइप का लग रहा है। यहाँ पे अपने क्रोम बीडिंग का यूज़ किया है, बहुत बढ़िया इसकी लुक आ रही है। इससे भी पियानो ब्लैक करा गया, अपने मिरर्स को जो है अपने यहाँ पे ब्लैक मैट में आते हैं, लेकिन अभी जो हमने इसमें पियानो ब्लैक की फिनिशिंग कर दी है। यहाँ पे जो हमने इसमें अपने डोर वाइजर इंस्टॉल कर दिया क्रोम लाइनिंग के साथ है, बहुत बेहतरीन लग रहा है ये भी अपने देखोगे। एंड भाई अभी चलते हैं इंटीरियर में। एंड भाई स्काई कार पे यार भैया के पास ज़रूर से आना, जितनी भैया की शॉप की डिटेल्स है सारी की सारी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में हो जाएंगी प्रोवाइड, सो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड बहुत सारी एक्सेसरी जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो जाती है जो इस कार में लगी है। एंड उसके अलावा भी जो भी एक्सेसरीज आती है सबकी प्राइसिंग जो है आपको मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ भी चेकआउट जो है कर सकते हो। सो अभी आप एक बार लुक दे सकते हो बाहर से बाइक की कार की जो अपने। एंड अभी चलते अपने इंटीरियर में। सो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ इस वाली कार में जो हमने इंस्टॉल करा है अपना अंडर सीट वूफर। सो मैं ट्राई करता हूँ आपको दिख जाए। सो नीचे जो गाइस हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया अपना अंडर सीट वाला वूफर, आपको एक बार पीछे से देखता हूँ। सो भाई यहाँ पे जो आप एक बार लुक डाल सकते हो अपने अंडर सीट वूफर पे। सो यहाँ पे अपना जो कोन वन है वो सामने आपको जो है विजिबल हो जाएंगी, आपको रिस्पॉन्स भी चेक करा दूंगा। तो भाई इसमें जो है हमने ट्विटर्स इंस्टॉल करे हैं, यहाँ पे हमने स्कफ प्लेट्स इंस्टॉल करी है। प्राइसिंग आपको जितनी प्राइसिंग है हर आइटम की प्राइसिंग आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगी। एम्बियंट लाइट इंस्टॉल करी है हमने, सो ये फ़ोन से अपनी जो सो भाई इसमें जो हमने अपनी एम्बियंट लाइट इंस्टॉल करी है एंड ये भली जो भाई अपने फ़ोन से कंट्रोल हो जाती है। सो मतलब चारों गेट्स पे है। एंड अपनी जो पूरी यहाँ पे जो भी डैशबोर्ड है यहाँ पे अपनी पूरी डैशबोर्ड पे आप चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी बेहतरीन लुक आ रही है इससे भी अपनी पूरी कार की। सनरूफ इस वाले वेरिएंट में जो हमको मिल जाती है, यहाँ पे हमने इसका स्टीयरिंग रैप करा है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आ रही है। भाई सही बताओ तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आ जाते हैं, लेकिन अगर किसी के पास अपना बेस वाला वेरिएंट है XC सो उसमें माउंटेड ये वाले नहीं आते कंट्रोल। सो अगर आप चाहो तो उनको भी इंस्टॉल जो है करवा सकते हो।
भैया के शॉप से स्टेयरिंग रैप हुआ यहाँ पे अपना बहुत बढ़िया वाला। इसमें जो अगर हमने अपना मैट्रिक्स का एंड्रॉइड सिस्टम इंस्टॉल करा है एंड मोस्ट ऑफ द नेक्सॉन कार्स में यार भैया जो है इसी को इंस्टॉल प्रेफर कर दे, क्योंकि भाई ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है एंड इसका प्राइसिंग भी सेंसिबल है। साथ ही में यार इसमें हमने इंस्टॉल करी अपनी एटमोसफेयर लाइट। सो इधर गाइस इसका सेंसर है, सो इससे आप देखोगे चेंज इसको जो है कर सकते हो। सो बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स आ रहा है, रात में होगा तो गाइस और मज़ा आने वाला है आपको। सो अभी इधर देखोगे यहाँ पे पानो ब्लैक फिनिश है, वो कंपनी से आ जाती है हमको इस वाले वेरिएंट में। एंड आपको जो मैट्रिक्स का इसका मैं वो दिखा देता हूँ। सो टच देखोगे टच बहुत बेहतरीन है यार इस वाली जो मतलब अपना एंड्रॉइड सिस्टम लगा है। सो आपको थोड़ी इसके स्पेसिफिकेशंस भी बता देता हूँ। सो गाइस इसमें जो अपना 10 इंचज़ का मैट्रिक्स का हमने इसमें एंड्रॉइड सिस्टम इंस्टॉल करा है एंड भाई बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। सो इसमें 4GB हमको जो रैम मिलने वाली है, 32GB इंटरनल है। आप भाई जो रिस्पॉन्स है वो देख सकते हो यहाँ पे अपना K2501 इसका वेरिएंट जो है अपना मॉडल ये वाला होने वाला है। एंड भाई इसमें हमको एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड हो तो दोनों चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड भाई इसमें हमने इंस्टॉल करा अपना रिवर्स कैमरा एंड जो अपना गाइस जो स्टीयरिंग मूव करते हो उसके साथ साथ जो मूव होता है जिसके साथ लाइंस जो है अपनी मूव हो जाती है। सो वो वाला इसमें जो हमने इंस्टॉल करा अपना कैमरा, सो आपको मैं एक बार रिवर्स करके भी दिखाता हूँ। सो यहाँ पे अब इसका रिस्पॉन्स देखोगे बहुत बेहतरीन आ रहा है। सो अभी जैसे कार ऑन होगी तो जितना ज़्यादा अपना शेयरिंग खिलेगा उतना ज़्यादा रिमूव होता रहेगा। सो बीप बीप भी गाइस सुनाई दे रही है, सेंसर अपने है पहले से। सो देखो जैसे मैं अपने शेयरिंग को जब मूव करूँगा ये अपनी जो बीच की लाइन अगर जेब भी हमको मूव होती हुई दिख जाएंगी। सो ये एक बहुत बढ़िया फीचर है। एंड अभी जो आपको मैं इसकी एम्बेड लाइट चेक कराता हूँ अपने फ़ोन से ऑपरेट होकर। एंड भाई इसमें हमने जो सीट कवर इंस्टॉल करे अपने बकेट फिटिंग के साथ, ड्यूल कलर में सीट कवर इसमें इंस्टॉल करे ब्लैक कलर के। भाई ये डिज़ाइन तो पर्सनली मुझे बहुत मेरा फेवरेट वाला डिज़ाइन है, क्योंकि भाई ये अपना बहुत जल्दी से गंदा भी नहीं हो पाता एंड मतलब क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी होती है। सो कुशनिंग देखोगे भाई बहुत बेहतरीन कुशनिंग है, बहुत कंफर्टेबल सीट कवर्स है। लॉन्ग राइड्स पे यार आप ले जाओ भैया के सीट कवर्स को, आराम से चले जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आती कंफर्ट में। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा हमको। बैक में देखते हैं, बैक से भी जो आप लुक देख सकते हो अपने सीट कवर की काफ़ी बेहतरीन आ रही है। पीछे दो डोर पॉकेट्स भी मिल जाती है एंड पीछे का जो सीट जो अपने हेडरेस्ट है वो फिक्स्ड है, वो अपने जो हेड एडजस्टेबल नहीं है। एंड जैसे अपना इस वाले वेरिएंट में हमको पीछे एसी वेंट्स नहीं मिलते, लेकिन भैया जो है अपनी इस एक्सेसरीज को भी जो है यहाँ पे करवा सकते हो। सो अगर आप चाहो तो अपने एसी वेंट्स को भी यहाँ पे जो इंस्टॉल करवा देते हो। सो अभी गाइस मैं आपको जो है पहले तो इसका जो अपनी लाइट है जो एम्बेड लाइट लगी है अपने चारों दरवाजों में वो चेक कराता हूँ एंड आपको जो फिर अपने इसमें ट्विटर इंस्टॉल है उनकी जो आउटपुट है वो सुना दूंगा, क्योंकि अपना मैट्रिक्स है इसमें एंड्रॉइड लगा उसका आउटपुट जो है क्या क्या इंक्रीज होता है वो आपको देखेंगे। एंड जो स्पीकर है गाइस वो अपने कंपनी से ही हमको देखने को मिलेंगे। स्कफ प्लेट्स पे भी जो आप बैक पे भी लुक जो है चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी बेहतरीन आने वाली है। यार इसमें जो हमने इंस्टॉल करी अपनी डबल लेयर की ऑटोमैक्स की गोल्ड डैम्पिंग। सो भाई अभी आपको जो मैं क्वालिटी सुनाता हूँ डैम्पिंग की, भाई अभी अपना दरवाज़ा है क्वालिटी देखो बहुत अच्छी है। सो भाई फ़र्क आपको पता लग जाएगा, इधर डैम्प नहीं होती, इधर आप फ़र्क देख सकते हो और इधर फ़र्क देख सकते हो कितना फ़र्क आ जाता है। आपके जो डोर की क्वालिटी है वो बहुत हैवी हो जाता है डोर एंड मतलब डैम्पिंग के फायदे भी होते हैं, साउंड प्रूफिंग हो जाती है आपकी कार की भाई। सो अभी चारों दरवाजों में हुई है गाइस, अगर आप चाहो तो अपना ऊपर भी या नीचे हर जगह जो है डैम्पिंग वो भी करवा सकते हो। सो भाई अभी देख लो फ़ोन में यहाँ पे मैंने जो ऐप यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है ना, आप एम्बिएंट लाइट देख सकते हो ना फ़ोन से कंट्रोल हो रही है, ये बहुत बढ़िया फीचर है। देखो भाई ब्राइटनेस भी जो आप चेंज कर सकते हो ना, अलग अलग इफेक्ट्स भी जो यहाँ से हमको विजिबल हो जाएंगे। सो देख सकते हो भाई यहाँ पे इसकी RGB यहाँ पे हमने कर दिया है। डोर्स पे भी जो आप लुक देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे लुक आ रही है भाई, देख सकते हो। सो भाई आपको कैसा लगा आउटपुट मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। भाई बेस तो यार अब बहुत ज़बरदस्त आ रहा है
एंड भाई अंडर सीटर बूफर हमारा इसलिए होता है जिसको मतलब अपना माइल्ड बेस जो होता है बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नीच होता, सो उनके लिए गाइस सजेस्ट करते हैं अपना अंडर सीट बूफर। सो अपने गाइस में नो बास के इसमें हमने ट्विटर से इंस्टॉल करे हैं एंड जो स्पीकर है वो अपने कंपनी फिटेड ही है, लेकिन आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया अपने एंड्रॉइड सिस्टम से भी यार, आउटपुट जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाता है। आप जो अपने यहाँ पे बैक का रिस्पॉन्स देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त आ रहा है भाई, एंड यहीं पे करते हैं अपनी वीडियो को एंड। सो गाइस मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो हमें यार ज़रूर से बता देना। एंड भाई इससे जो है हम अपने बेस को कंट्रोल कर सकते हैं, जो अपना नीचे अंडर शीट वाला वूफर लगा है उससे जो आप इसके अपने बेस को कंट्रोल कर सकते हो। सो अभी तो था बेस अपना मिड पे था, लेकिन बेस अच्छा खासा आ रहा था हाई पे, सो और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। स्काई कार पे ज़रूर आना भैया को, अगर अपना जो प्यार है वो ज़रूर से दिखा देना, क्योंकि भैया को जो काम होता है बिल्कुल वो 100% जर्मन होता है एंड प्राइसिंग भी काफ़ी सेंसिबल होते हैं। सो प्राइसिंग जो है जितनी प्राइसिंग है जो भी एक्सेसरीज लगे उनके अलावा जो भी और भी एक्सेसरीज आते हैं जो कि आप अपनी कार में इंस्टॉल करवा सकते हो, सो उन सब की प्राइसिंग आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड टेक केयर। I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Dial my number twice, promise I'll pick up the line. I see you're worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'd stick around and wait for me. I see you on the come up and